चैप्टर 6 व्याकुलता रहित क्षेत्र। ये एक ऐसा अध्याय है जो आपको चौंका देने का वादा करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप कार्यवाही में कूद पड़े। ये शक्तिशाली तकनीकों से भरपूर है। बिना किसी देरी के आइए इसमें कूद पड़े। विकर्षणों को कम करना। हम अक्सर सोचते हैं कि जब आत्म अनुशासन की बात आती है तो ध्यान भटकाना हमारा मित्र हो सकता है। यदि इच्छा शक्ति सीमित है तो हम तर्क देते हैं कि ब्रेक लेना, तरोताजा होना और आग्रहों और प्रलोभनों से खुद को विचलित करना बेहतर है। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में मार्केटिंग के प्रोफेसर बाबा शिव ने एक अध्ययन किया जो बताता है कि विकर्षण हमें कैसे प्रभावित करते हैं। शिव ने प्रतिभागियों के एक समूह को फोन नंबर याद रखने के लिए कहकर उनका ध्यान भटका दिया और फिर सभी अध्ययन प्रतिभागियों से चॉकलेट केक या फल में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। जो लोग फोन नंबर याद रखने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने केक को उन लोगों की तुलना में 50% अधिक चुना जो नहीं याद रख रहे थे। यहाँ निष्कर्ष ये है कि फोकस अनुशासित होने का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप लगातार विचलित रहते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने का मौका दिए बिना ही प्रलोभनों के आगे झुक जाते हैं। ये आपके दिमाग में नहीं आता है और आप अपने अच्छे इरादों के बावजूद कम से कम प्रतिरोध का रास्ता चुनते हैं। विकर्षण चुपचाप हमारे आत्म अनुशासन को खत्म कर देते हैं। ये प्रक्रिया पृष्ठभूमि में चल सकती है ताकि हमें ये एहसास भी ना हो कि हमारा अनुशासन खत्म हो रहा है और बहुत देर हो चुकी है और हमारे सभी पिछले प्रयास बर्बाद हो गए हैं। सुपरमार्केट में चेकआउट लेन का डिजाइन विचलित दिमाग और घटती इच्छा शक्ति का फायदा उठाने का एक प्रमुख उदाहरण है। आप किराए की दुकान के माध्यम से हर कदम पर स्वस्थ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आप रजिस्टर में कैंडी, चॉकलेट और स्नैक्स की एक अंतिम व्याकुलता के बिना बच नहीं सकते हैं। अनुशासित होने के लिए ये अक्सर सबसे कठिन समय होता है क्योंकि आप बाहर निकलने और आगे की सोचने के बहुत करीब होते हैं और आइटम सस्ते होते हैं और तुरंत खरीदने के लिए उपलब्ध होते हैं। आपको इस ज्ञान के साथ क्या करना चाहिए? यदि आप अव्यवस्थित वातावरण में काम करते हैं तो उसे साफ करें। एक साफ डेस्क एक स्पष्ट दिमाग बनाने में मदद कर सकती है और एक साफ दिमाग अनुशासित रहने में अधिक सक्षम होता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन अनुशासन में सुधार के साधन के रूप में दृष्टि से बाहर, दिमाग से बाहर की अवधारणा का समर्थन करने वाले कुछ ठोस सबूत प्रदान करता है और ये आपके डेस्क से कहीं अधिक पर लागू होता है। अध्ययन में भाग लेने वालों को हर्षे के किसी से भरा एक जार दिया गया जो या तो स्पष्ट या अपारदर्शी था और या तो उनके डेस्क पर या 6 फीट की दूरी पर रखा गया था। औसतन प्रतिभागियों ने अपने डेस्क पर रखे स्पष्ट जार से प्रतिदिन 7.7 किसेस खाई, जबकि उसी स्थान पर रखे अपारदर्शी जार से प्रतिदिन 4.6 किसेस खाई गई। जब जार 6 फीट की दूरी पर रखे गए तो प्रतिभागियों ने स्पष्ट जार से प्रतिदिन 5.6 और अपारदर्शी जार से प्रतिदिन 3.1 किसेस खाई। आश्चर्य की बात यह है कि अध्ययन के विषयों ने लगातार ये महसूस किया कि जब जार 6 फीट दूर रखे गए थे तो उन्होंने अधिक किसेस खाई थी, हालांकि विपरीत सच था। ये विसंगति जानकारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये अनुशासन में सुधार के लिए एक सरल दिशा निर्देश प्रदान करती है।
यानी आप अपने कार्यस्थल से विकर्षणों को दूर करके आलस्य का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उन विकर्षणों को पूरी तरह से ना भूलें, लेकिन किसी प्रलोभन के आगे झुकने के लिए आपको जितना अधिक प्रयास करना होगा, आपके ऐसा करने की संभावना उतनी ही कम होगी। इसके अलावा ये कुछ सबसे प्रतिकूल अनुशासन संबंधी चूकों को दूर करता है। ऐसी नासमझी भरी चूके जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। यदि वो जाल आसानी से पहुंचने योग्य और दिखने वाला होता तो उसके बारे में सोचे बिना आपके हाथों का कुकी जार तक पहुंचना बहुत आसान है। अनुशासन के लिए वातावरण तैयार करते समय आप इस प्रकार के परिदृश्यों से बचना चाहते हैं। यदि आप कुकी जार को किसी दूर कैबिनेट में रखते हैं तो आप प्रलोभन को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं, लेकिन आप इसे ऐसा बनाते हैं कि प्रलोभन के आगे झुकने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अंततः आप अपने लिए एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जो विकर्षणों और स्पष्ट प्रलोभनों से मुक्त हो। आप अनुशासन में उन विवेकहीन और सहज खामियों को दूर करके अनुशासन को बहुत आसान बना सकते हैं, जो ऐसे वातावरण द्वारा संभव हो जाती है जिसे अनुकूलित नहीं किया गया है। ये आपके डेस्क, आपके कार्य क्षेत्र, आपके कार्यालय, आप अपने डेस्क से क्या देख सकते हैं और यहाँ तक कि आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पर भी लागू होता है। जितना संभव हो उन्हें ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रखें और आप उनके बारे में भूल जाएंगे। अनुशासन की कमी या बोरियत की स्थिति में आपके पास काम करते रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। सकारात्मक कार्यों और व्यवहारों के लिए डिफॉल्ट। आत्म अनुशासन के लिए अपने वातावरण को अनुकूलित करने से वास्तव में ये समझ में आता है कि आपका अधिकांश निर्णय लेना कितना ऑटोमेटिक है। उस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए ऑर्गन डोनर्स पर 11 यूरोपीय देशों में किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों पर विचार करें। डेटा से पता चलता है कि जिन देशों में नागरिकों ने ऑटोमेटिक रूप से ऑर्गन डोनर बनने का विकल्प चुना है, उन्हें बाहर निकलने के लिए कार्यवाही की आवश्यकता है। उनकी भागीदारी दर 95% या उससे अधिक थी। हालांकि जब डिफॉल्ट विकल्प ऑर्गन डोनर होना नहीं था तो 11 देशों में से किसी में भी पाई गई उच्चतम दर मात्र 27% भागीदारी थी। अंततः लोग केवल उस विकल्प के साथ गए जिसके लिए कम से कम प्रयास की आवश्यकता थी। इसमें ऑर्गन डोनर बनने के उनके वास्तविक इरादे या इच्छा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अधिक वांछनीय विकल्प पर डिफॉल्ट करने की यही अवधारणा आपके स्वयं के अनुशासन पर भी लागू की जा सकती है। हम आलसी हैं और जो कुछ भी हमारे सामने होगा उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। आप अपने लिए उन विकल्पों को चुनना आसान बना सकते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो। साथ ही हानिकारक निर्णय लेना जितना संभव हो उतना कठिन बना सकते हैं। डिफॉल्ट विकल्प वो है जिसे निर्णय निर्माता तब चुनता है जब वो कुछ नहीं करता है या न्यूनतम प्रयास करता है। अन्य संदर्भों में डिफॉल्ट विकल्पों में वे भी शामिल होते हैं जो मानक या सुझाए गए होते हैं। अनगिनत प्रयोगों और अवलोकन संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि किसी विकल्प को डिफॉल्ट बनाने से उसके चुने जाने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसे डिफॉल्ट प्रभाव के रूप में जाना जाता है। निर्णय लेने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अक्सर ऊर्जा बचाने के लिए डिफॉल्ट विकल्प चुनते हैं और निर्णय लेने से बचते हैं।
खासकर जब हम इस बात से परिचित नहीं होते हैं कि हम किस बारे में निर्णय ले रहे हैं। इन डिफॉल्ट निर्णयों को अनुकूलित करने से ही अधिक अनुशासन अनुकूल वातावरण बनाने के आपके अधिकांश प्रयास हो सकते हैं। आप शायद मानते हो कि आप अपनी अधिकांश पसंदों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके बजाय आपके कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपके पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया मात्र है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोशल मीडिया से विचलित हैं, तो आप ऐप आइकन को अपने फोन के पिछले पेज पर ले जा सकते हैं, ताकि जब भी आप कुछ और करने के लिए अपना फोन खोलें, तो आप उन्हें लगातार ना देखें। इससे भी बेहतर, आप प्रत्येक उपयोग के बाद ऐप से लॉग आउट कर सकते हैं, या उन्हें अपने फोन से पूरी तरह से हटा सकते हैं, ताकि आप उनका उपयोग केवल तब ही कर सकें जब आप वास्तव में उन्हें ध्यान भटकाने के लिए करना चाहते हैं। और यदि आपको काम करते समय बिना सोचे समझे अपना फोन उठाने की आदत है, तो आप इसे नीचे की ओर करके इतने दूर रखना शुरू कर सकते हैं कि आपको उस तक पहुंचने के लिए उठना पड़े। यदि आप वॉयलिन का अधिक अभ्यास करना चाहते हैं, तो इसे अपने डेस्क पर संगीत नोट्स खोल कर रखें। यदि आप अपने दांतों को अधिक फ्लॉस करना चाहते हैं, तो फ्लॉस को अपने बैकपैक में रखें। अपने बाथरूम में, अपने नाइट स्टैंड पर और अपने सोफे पर। इस बात के अनगिनत उदाहरण हैं कि कैसे आप इच्छा शक्ति के बहुत कम उपयोग के साथ अधिक अनुशासित बनने के लिए डिफॉल्ट प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। एक और बात यह है कि आलू के चिप्स और कुकीज को रसोई के काउंटर पर छोड़ देने से, जब भी आप थोड़ी सी भी भूख महसूस करते हुए रसोई में जाएंगे, तो उन चीज़ों को खाना आपकी डिफॉल्ट पसंद बन जाएगी। उन्हें छिपाना या उन्हें बिल्कुल नहीं खरीदना, और जो अनहेल्दी है उन्हें बदल देना। फलों के साथ नाश्ता करने से ये संभावना तुरंत बढ़ जाएगी कि आप फल खाएंगे और आप अनहेल्दी नाश्ते से बचेंगे। क्या आप अधिक एक्सरसाइज करना चाहते हैं? अपने बाथरूम के दरवाजे पर पुलअप बार लगाएं। यदि आप अपने रेफ्रिजरेटर में मीठा सोडा और जूस रखते हैं, तो जब भी आपको प्यास लगे और फ्रिज खोलें, तो आप उन्हें पीना अपनी डिफॉल्ट पसंद बना रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो संभावना बढ़ जाती है कि आप पानी पिएंगे या चाय बनाएंगे। अगर आप अधिक विटामिन लेना चाहते हैं, आसान पहुंच के लिए उन्हें अपने टूथब्रश के ठीक बगल में रखें। अगर आप पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं और पीठ की समस्या है, तो दिन भर बार बार खड़े होने और चलने से आपको फायदा हो सकता है। आप लगातार पानी पीते हुए इसे अपना डिफॉल्ट विकल्प बना सकते हैं, ताकि आपको बाथरूम जाने के लिए उठना पड़े। या शायद आप अपने फोन पर अलार्म स्केड्यूल कर सकते हैं और इसे पहुंच से कहीं बाहर रख सकते हैं, ताकि जब भी अलार्म बजता हो, तो आपको उसे बंद करने के लिए खड़ा होना पड़े। इसका पूरा सार ये है कि आप अपने वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन करके अपनी इच्छा शक्ति और अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन के दो सबसे बड़े पहलू अव्यवस्था और विकर्षणों को कम करना और डिफॉल्ट प्रभाव के आधार पर विकल्पों को अनुकूलित करना है। यदि आप अपने वातावरण से ध्यान भटकाना कम कर देते हैं, तो आप अपना दिमाग साफ कर लेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप फोकस, दक्षता और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप अपनी अच्छी आदतों को सुदृढ़ करके अपने लाभ के लिए अपने डोपामाइन इनाम प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही छोटी छोटी खुशियों के लिए बिना सोचे समझे किए गए कामों में कटौती भी कर सकते हैं। अंततः आप इसे इस प्रकार बना सकते हैं
कि कम से कम प्रयास के साथ रास्ता उन विकल्पों तक पहुंचे जो आप चाहते हैं और जिनसे आपको लाभ हो। ये सभी इसे बनाते हैं ताकि आप वास्तव में अनुशासन का उपयोग कर सकें और इसे अपनी बड़ी दैनिक चुनौतियों के लिए बचा सकें। आखिरकार जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों करें यदि आप इसके लिए योजना बना सकते हैं। ध्यान अवशेष। कभी कभी काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है और आप खुद को आश्चर्यचकित पाते हैं कि ट्रैक पर बने रहना और चमकदार वस्तुओं को नजरअंदाज करना इतना कठिन क्यों है। सौभाग्य से इसके लिए एक स्पष्टीकरण है। 2009 में सोफी लेरॉय ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसका उचित शीर्षक था, मेरा काम इतना कठिन क्यों है। इसमें उन्होंने एक प्रभाव के बारे में बताया जिसे उन्होंने ध्यान अवशेष कहा। लेरॉय ने कहा कि अन्य शोधकर्ताओं ने प्रदर्शन पर मल्टीटास्किंग के प्रभाव का अध्ययन किया था, लेकिन आधुनिक कार्य वातावरण में एक बार जब आप पर्याप्त उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों को क्रमिक रूप से कई परियोजनाओं पर काम करते हुए देखना अधिक आम है। लेरॉय बताते हैं, एक बैठक से दूसरी बैठक में जाना, एक परियोजना पर काम शुरू करना और उसके तुरंत बाद दूसरी बैठक में जाना संगठनों में जीवन का हिस्सा है। ये अनिवार्य रूप से मल्टीटास्किंग का आधुनिक संस्करण है। परियोजनाओं पर कम समय में काम करना और उनके बीच स्विच करना, जरूरी नहीं कि उन सभी को एक ही बार में किया जाए। लोग वास्तव में एक ही समय पर कई कार्यों पर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच अपेक्षाकृत तेजी से स्विच करना लगभग उतना ही बुरा है। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए ये मल्टीटास्किंग है। इस रिसर्च द्वारा पहचानी गई समस्या ये है कि आप बिना किसी देरी के कार्यों के बीच निर्बाध रूप से स्विच नहीं कर सकते हैं। जब आप कार्य ए से कार्य बी पर स्विच करते हैं तो आपका ध्यान तुरंत नहीं जाता है, आपका शेष ध्यान मूल कार्य के बारे में सोचने में अटका रहता है। ये बदतर हो जाता है और अवशेष विशेष रूप से मोटा हो जाता है। यदि स्विच करने से पहले टास्क ए पर आपका काम असीमित और कम तीव्रता का था, लेकिन अगर आप आगे बढ़ने से पहले टास्क ए पूरा कर लेते तो भी आपका ध्यान कुछ समय के लिए विभाजित रहता है। लेरॉय के परीक्षणों ने लोगों को प्रयोगशाला सेटिंग में विभिन्न कार्यों के बीच स्विच करने के लिए मजबूर किया। इन प्रयोगों में से एक में उन्होंने शब्द पहेलियों के एक सेट पर काम करना शुरू किया। एक परीक्षण में वो उनके काम में बाधा डालती थी और उन्हें एक नए और चुनौतीपूर्ण कार्य पर जाने के लिए मजबूर करती थी। उदाहरण के लिए बायोडेटा पढ़ना और काल्पनिक नियुक्ति निर्णय लेना। अन्य परीक्षणों में उसने विषयों को अगला कार्य देने से पहले पहेलियों को पूरा करने दिया। जब प्रतिभागी पजलिंग और हायरिंग के बीच स्विच कर रहे थे, लेरॉय एक त्वरित शाब्दिक निर्णय गेम खेलेंगे। ऐसा इसलिए था ताकि वो पहले कार्य से बचे हुए अवशेषों की मात्रा निर्धारित कर सके। परिणाम स्पष्ट थे। कार्य बदलने के बाद ध्यान अवशेष का अनुभव करने वाले लोगों को उस अगले कार्य पर खराब प्रदर्शन प्रदर्शित करने की संभावना है और अवशेष जितना अधिक तीव्र होगा प्रदर्शन उतना ही खराब होगा। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत दूर की बात नहीं लगती। हम सभी ने उस उन्मत्त क्षण का अनुभव किया है जब हम एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और अचानक खुद को कुछ भी करने में असमर्थ पाते हैं। यदि आप दो या दो से अधिक भिन्न चीजों के बीच आगे पीछे स्विच करते रहते हैं तो आप किसी भी कार्य पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं।
आप संभवतः हर चीज को समझने और उसे व्यवस्थित करने की कोशिश में अटके रहेंगे, ताकि आप उसे समझ सकें। यह आपको केवल आगे बढ़ने के बजाय वहीं पहुंचने की कोशिश में समय बर्बाद करने के लिए मजबूर करेगा जहां आप थे। आप हर बार कोशिश करने पर एक कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन दो कदम पीछे पहुंच जाएंगे। इससे भी बुरी खबर स्टैनफोर्ड के रिसर्चर क्लिफर्ड नाश द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिन्होंने मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों के कार्य पैटर्न की जांच की। रिसर्चर्स ने अपने विषयों को दो समूहों में विभाजित किया है, वे जो नियमित रूप से बहुत अधिक मीडिया मल्टीटास्किंग करते हैं और वे जो नहीं करते हैं। एक प्रयोग में समूहों को दो लाल आयतों के सेट अकेले या दो, चार या छह नीले आयतों से घिरे हुए दिखाए गए थे। प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन को दो बार फ्लैश किया गया था और प्रतिभागियों को ये निर्धारित करना था कि क्या दूसरे फ्रेम में दो लाल आयत पहले से भिन्न हैं। ये काफी सरल लगता है, बस नीले आयतों को अनदेखा करें और देखें कि क्या लाल आयतें बदलती हैं। वास्तव में ये काफी सरल था और जो लोग अक्सर एक साथ काम नहीं करते थे उन्हें इसे करने में कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि उच्च मल्टीटास्कर्स ने बहुत खराब प्रदर्शन किया, क्योंकि वे लगातार अप्रासंगिक नीली छवियों से विचलित थे। चूंकि वे छवियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, रिसर्चर्स ने सोचा कि शायद वे जानकारी संग्रहित करने और व्यवस्थित करने में बेहतर थे, शायद उनकी यादें बेहतर थी। लेकिन दूसरे टेस्ट में ये बात गलत साबित हुई। बाद में वर्णमाला के अक्षरों का क्रम दिखाए जाने के कारण उच्च मल्टीटास्कर्स को ये याद रखने में भी कठिनाई होती है कि कोई अक्षर कब बार बार दिखाई दे रहा है, और फिर कम मल्टीटास्कर्स ने समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन किया। ये बेहद आसान था। ऑफिर ने कहा, कम मल्टीटास्कर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उच्च मल्टीटास्कर जितना आगे बढ़ते गए उनका प्रदर्शन और भी बेकार होता गया, क्योंकि उन्हें अधिक अक्षर दिखाई देते थे और उन्हें अपने दिमाग में क्रमबद्ध रखने में कठिनाई होती थी। मल्टीटास्किंग दोनों दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हो सकती है, लेकिन जब आप ऐसी स्थितियों में होते हैं जहां बाहरी दुनिया से आने वाली या स्मृति से उभरने वाली जानकारी के कई स्रोत होते हैं, तो आप अपने वर्तमान लक्ष्य के लिए अप्रासंगिक चीजों को फिल्टर नहीं कर सकते हैं। फिल्टर करने में विफलता का मतलब है कि आप अनरिलेटेड जानकारी से धीमे हो गए हैं और बिना ध्यान भटकाए किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करेंगे। एक समय में कई काम करने की कोशिश करने और अपने मस्तिष्क पर बहुत अधिक जानकारी डालने की तुलना में ध्यान भटकाए बिना एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान है। सिंगल टास्किंग, इसका अर्थ क्या है? बाकी सब कुछ अलग रख दें और जिस वर्तमान कार्य पर आप काम कर रहे हैं उसके अलावा किसी अन्य चीज की जांच, निगरानी, ईमेल या यहां तक कि उसे टच भी ना करें। इसके लिए एक चीज पर फोकस और बाकी सभी चीजों से उद्देश्यपूर्ण और जानबूझकर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। अपनी सूचनाएं बंद करें और अपना फोन हटा दें। यदि आपको अपने कंप्यूटर पर होना ही है तो एक समय में केवल एक ब्राउजर टैब या प्रोग्राम खुला रखें। बहुत सारे एकल कार्य सचेत रूप से उन विकर्षणों से बचने के बारे में हैं जो छोटे और हानि रहित लगते हैं। सबसे बड़े अपराधी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जब संभव हो तो उन्हें नजरअंदाज करें। कार्यस्थल को बेदाग रखें ताकि आपकी नजर किसी ऐसी चीज पर ना पड़े जिसे सफाई
या समायोजन की आवश्यकता हो। आदर्श रूप से सिंगल टास्किंग आपके वातावरण को एक खाली कमरे में बदल देती है, क्योंकि आपको इसमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप बाधित हो रहे हों तो कार्यों के बीच सूक्ष्मता से स्विच कर रहे हों तो उस पर ध्यान देने का प्रयास करें। इसे पहली बार में पकड़ना कठिन है और इसके लिए आपको अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध सचेत निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। जिस चीज का विरोध करना बहुत कठिन होगा वो है अपने आप से ये कहना कि आपको किसी चीज पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और अपने कार्य को बाधित करना चाहिए। ये शायद ही सच है। इस आग्रह से निपटने के लिए अन्य कार्यों के संबंध में अनिवार्य रूप से मन में आने वाले विचारों के लिए नोट्स लेने के लिए एक पोस्ट इट अलग रखें। बस उन्हें जल्दी से लिख लें और अपने प्राथमिक लक्ष्य पर लौट आएं। आपकी एकल कार्य अवधि समाप्त होने के बाद आप उन्हें संबोधित कर सकते हैं। आपका सिंगल टास्क कंप्लीट होने के बाद आप उन्हें संबोधित कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। ये आपको भविष्य के लिए तैयार करते हुए आपके दिमाग को एक ही काम पर केंद्रित रखेगा। सफलता। फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड को कारों के बारे में बहुत सी बातें सही लगी। उस समय उनके कुछ कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन समय के साथ उन नामों के लुप्त हो जाने का मुख्य कारण यह है कि वो फैक्ट्री असेंबली लाइन के निर्माता भी थे। फैक्ट्री असेंबली लाइन पर कर्मचारी एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये एक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और एक सिंगल टास्क को, एक परियोजना को शुरू से अंत तक देखने और कई कार्यों के बीच स्विच करने की तुलना में इसे कहीं अधिक कुशल बनाता है। ये श्रमिकों को अपने कार्य में विशेषज्ञता और सुधार करने की अनुमति देता है, जिससे एरर्स कम हो जाती हैं और समस्या निवारण बहुत आसान हो जाता है। कार्यकर्ताओं को हाथ में लिए गए कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी। फोर्ड के लिए इससे उसकी ऑटोमोबाइल उत्पादन दक्षता और आउटपुट आसमान छू गई और उसके बाजार पर हावी हो गई। शॉर्ट में बेंचिंग आपके लिए यही कर सकती है। बेंचिंग तब होती है जब आप सभी को एक साथ पूरा करने के लिए समान कार्यों को एक साथ समूहित करते हैं। फोर्ड की असेंबली लाइन अनिवार्य रूप से 100% बेंचिंग थी, क्योंकि उसके कर्मचारियों ने केवल एक कार्य अविश्वसनीय रूप से कुशलतापूर्वक किया था। आइए एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम सभी रिलेट कर सकते हैं। ईमेल चेक करना। यदि आपके पास किसी प्रकार की ऑनलाइन उपस्थिति या नौकरी है तो संभवतः आपके इनबॉक्स में हर घंटे ईमेल का प्रवाह आना जारी रहेगा। लगातार अपना ईमेल चेक करना समय का बेहद अकुशल उपयोग है। जब भी आपको कोई नया ईमेल प्राप्त होता है तो ये अन्य कार्यों में बाधा डालता है और आपका ध्यान भटकाता है। हम में से कई लोग किसी चीज की देखभाल के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसे ईमेल से छोड़ देते हैं। फिर हमें मूल कार्य फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि हमारा प्रवाह और गति बाधित हो गई है। ईमेल की बैचिंग करने से आपकी प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार होगा। इसका एक उदाहरण केवल हर 2 घंटे के अंत में अपने ईमेल की जांच करना और जानबूझकर अपने इनबॉक्स सूचनाओं को अनदेखा करना या ब्लॉक करना होगा। पहले तो ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस तरह से आप कितनी बार ईमेल चेक करते हैं इसे सीमित करने से आप लगातार विचलित हुए बिना और खुद को फिर से अभ्यस्त किए बिना अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबक सिखाता है कि कुछ कार्यों के लिए ना कहना उतना ही महत्वपूर्ण है
जितना कि सही कार्यों के लिए हाँ कहना। बेंचिंग उद्देश्यपूर्ण जानबूझकर अज्ञानता की कला सिखाती है ताकि आप अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करना एक बड़ा मानसिक बोझ है, क्योंकि आप अनिवार्य रूप से दिन भर में कई बार रुकते हैं और शून्य से शुरू करते हैं। एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करने में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है और जिस कार्य पर आप काम कर रहे थे उसे पुनः प्राप्त करने और उस कार्य की स्थिति का पता लगाने में आमतौर पर कुछ मिनट बर्बाद हो जाते हैं। निसंदेह इस प्रकार की रुकावटें आप जो हासिल कर सकते हैं उसका केवल एक हिस्सा ही हासिल कर पाती है। टू डू लिस्ट। ईमेल जांचने के उदाहरण में बेंचिंग आपको इसके सभी संभावित कौशलों, कार्यों और ईमेल को पढ़ने और लिखने की मानसिकता में रहने की अनुमति देता है। अनुस्मारक। किसी विज्ञापन अभियान के लिए नया ग्राफिक डिजाइन करने की तुलना में ईमेल एक बिल्कुल अलग मानसिकता और सोचने का तरीका है। एक ही मानसिकता में रहने से भारी लाभ मिलता है। बेंचिंग आपके कार्यों के लिए आपकी मानसिक ऊर्जा बचाने की अनुमति देती है और उसके बीच आगे और पीछे स्विच करने की प्रक्रिया पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करती है। आप और क्या बैच कर सकते हैं। आप अपनी सभी बैठकें एक ही दोपहर में स्केड्यूल कर सकते हैं ताकि आपके पास काम करने के लिए एक स्वतंत्र निर्बाध सुबह हो। आप वो सब कुछ करने की योजना बना सकते हैं जिसके लिए सुबह कंप्यूटर एक्सेस की आवश्यकता होती है और यहाँ तक कि कार्यों के कुछ हिस्सों को बैच भी कर सकते हैं, जैसे कि वे हिस्से जिनके लिए आपको फोन कॉल करने की आवश्यकता होती है। आप अपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को भी बैच कर सकते हैं। ये आपका ध्यान भटकाने और अधिक कुशलता से मनोरंजन करने के लिए नहीं है, ये सुनिश्चित करना कि आप अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं और अपने केंद्रित समय को बिल्कुल वैसा ही केंद्रित होने दे रहे हैं। आप विकर्षणों को कैसे बैच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी विशेष कार्य से थक गए हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सोशल मीडिया ब्रेक लेना चाहें। हर तरह से इसे ले लो। हालांकि अपने सभी खातों की जांच करने के लिए थोड़ा और समय आवंटित करें। ESPN, Refinery 29 और जो भी अन्य विकर्षणों में आप व्यस्त रहते हैं, कॉफी का एक नया कप लें, कार्यालय के चारों ओर तेजी से टहले और अपने पड़ोसी को नमस्ते कहें। ये सब अपने सिस्टम से बाहर निकालें ताकि जब आप काम पर वापस आए तो आपके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए समय का एक ठोस और निश्चित ब्लॉक हो। आखिरकार अगर आपके फेसबुक पेज पर कुछ भी नया नहीं है तो आप शायद इसे जांचने के लिए कम मजबूर महसूस करेंगे। एक बार जब आप आवंटित समय के भीतर इन सभी ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों को करने से थक जाते हैं तो आप अपने शेष घंटे के लिए उत्पादक कार्य पर स्विच कर सकते हैं। जितना अधिक आप अपना ध्यान विभिन्न गतिविधियों में बांटेंगे आप उतने ही कम प्रोडक्टिव होंगे। हालांकि यदि आप पिछली गतिविधि के समान कुछ करना शुरू करते हैं तो आपको इसे आगे बढ़ाना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही एक निश्चित प्रकार के कार्य को करने के लिए तैयार है। क्या काम ना करें की सूची। हर कोई कार्य सूची के महत्व को जानता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कार्य सूची का उपयोग करने के बारे में कई युक्तियां देखी होंगी, लेकिन हर कोई स्वाभाविक रूप से जानता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसे लिखने का कार्य बस उन्हें याद दिलाने में मदद करता है और ये लोगों को अपने दायित्वों का ध्यान रखने की अधिक संभावना बनाता है। हालांकि
हर कोई नहीं जानता कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या करने से बचना चाहिए, काम टालने के सामान्य तरीके और प्राथमिकताओं के रूप में सामने आने वाले ध्यान भटकाना। अपने कार्यों की सूची के साथ साथ क्या ना करें की सूची बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन हमें ऐसे कार्यों को चुनने का सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रभाव पैदा करेंगे और इसमें कई छिपी हुई बाधाएं हैं। फिर हम सभी स्पष्ट बुराइयों को जानते हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी को उन्नत करने का प्रयास करते समय बचना चाहिए। सोशल मीडिया, इंटरनेट पर इधर उधर घूमना, काम करने की कोशिश करते समय द बैचलरेट देखना और पढ़ते समय बांसुरी बजाना सीखना, वास्तविक कार्यों और बेकार कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है और इसके लिए आपको कुछ गहन विचार की आवश्यकता होगी। आपको अपनी ना करने योग्य सूची को उन कार्यों से भरना होगा जो चुपचाप आपका समय चुराएंगे और आपके लक्ष्यों को कमजोर कर देंगे। ये ऐसे कार्य हैं जो महत्वहीन हैं या आपके समय का खराब उपयोग करते हैं, ऐसे कार्य जो आपकी निचली रेखा में मदद नहीं करते हैं और ऐसे कार्य जिनमें कम रिटर्न का गंभीर मामला है जितना अधिक आप उन पर काम करते हैं। यदि आप लगातार इन कार्यों पर अपना समय समर्पित करते हैं और बर्बाद करते हैं तो आपकी वास्तविक प्राथमिकताएं और लक्ष्य अछूते रह जाएंगे। यहाँ बताया गया है कि आपको अपनी ना करने वाली सूची में क्या रखना चाहिए। सबसे पहले उन कार्यों को शामिल करें जो प्राथमिकताएं हैं, लेकिन बाहरी परिस्थितियों के कारण आप वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे कार्य हैं जो एक या कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दूसरों से प्रतिक्रिया या अंतर्निहित कार्यों को पहले पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हें अपनी ना करने वाली सूची में रखें क्योंकि वस्तुतः आप इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके बारे में सोचकर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद ना करें। जब आप उन अन्य लोगों से जवाब सुनेंगे तब भी वे वही रहेंगे। बस इस बात पर ध्यान दें कि आप किसी और से जवाब मिलने का इंतजार कर रहे हैं और उस तारीख को नोट कर लें जिस दिन आपको जवाब नहीं मिलने पर फॉलो अप करना होगा। फिर इन्हें अपने दिमाग से निकाल दें क्योंकि ये आपकी नहीं बल्कि किसी और की सूची में है। आप अन्य लोगों को स्पष्ट करके और उनसे प्रश्न पूछकर भी चीजों को अस्थायी रूप से अपनी थाली से दूर कर सकते हैं। इससे कार्यवाही करने के लिए गेंद उनके पाले में आ जाती है और आप अन्य मामलों पर ध्यान देने के लिए वो समय ले सकते हैं। दूसरा, ऐसे कार्यों को शामिल करें जो आपकी परियोजनाओं के संबंध में मूल्य नहीं जोड़ते हैं। ऐसी कई छोटी चीजें हैं जो आपकी आय में योगदान नहीं करती है और अक्सर ये छोटी चीजें होती हैं। व्यस्त काम, क्या आप इन्हें सौंप सकते हैं, किसी और को सौंप सकते हैं या इन्हें आउटसोर्स भी कर सकते हैं? क्या उन्हें सचमुच आपके समय की आवश्यकता है? दूसरे शब्दों में, क्या वे आपके समय के लायक हैं? और यदि आप ये कार्य किसी और को सौंपते हैं तो क्या आपके अलावा किसी को भी अंतर नजर आएगा? कार्य स्वयं अपने ऊपर लेकर क्या आप पूर्णतावाद के दलदल में फंसते जा रहे हैं? आपको अपना समय बड़े कार्यों पर खर्च करना चाहिए जो पूरी परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, ना कि अदूरदर्शी तुच्छ कार्यों पर। अक्सर ये महत्वपूर्ण कार्यों की आड़ में बेकार कार्य होते हैं, जैसे कि आप जिस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं उसकी पार्किंग में बाइक शेड के लिए पेंट का रंग चुनना। तीसरा, ऐसे कार्यों को शामिल करें जो वर्तमान में चल रहे हैं लेकिन अतिरिक्त कार्य या उन पर
दिए गए ध्यान से लाभ नहीं होगा। ये कार्य घटते प्रतिफल से ग्रस्त है। ये कार्य केवल ऊर्जा की बर्बादी है, क्योंकि इनमें अभी भी सुधार किया जा सकता है। संभावित सुधार की मात्रा या तो समग्र परिणाम या सफलता में कोई फर्क नहीं डालेगी, या कोई महत्वपूर्ण सेंध लगाए बिना असंगत मात्रा में समय और प्रयास लेगी। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए इन कार्यों को पूरा माना जाना चाहिए। उन पर अपना समय बर्बाद ना करें और उन्हें प्राथमिकता मानने के चक्कर में ना पड़ें। एक बार जब आप अपनी प्लेट पर बाकी सब कुछ खत्म कर लेते हैं, तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप किस चीज को चमकाने में कितना समय देना चाहते हैं। यदि काम 90% क्वालिटी पर है जिसकी आपको आवश्यकता है, तो ये देखने का समय है कि इसे 0 से 90% तक लाने के लिए आपको और किस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, एक कार्य को 100% क्वालिटी पर पूरा करने की तुलना में 3 कामों को 80% क्वालिटी पर पूरा करना कहीं अधिक उपयोगी है। जब आप सचेत रूप से अपनी ना करने योग्य सूची के वस्तुओं से बचते हैं, तो आप स्वयं को केंद्रित और सुव्यवस्थित रखते हैं। आप ऊर्जा के समय बर्बाद नहीं करेंगे और अपना दैनिक उत्पादन नाटकीय रूप से बढ़ा देंगे। अनुपलब्ध खाद्य पदार्थों वाला मेन्यू क्यों पढ़ें? यह बेकार है और आपके मानसिक बैंडविड्थ को बर्बाद करता है। आपकी ऊर्जा के स्तर को उन चीजों से नष्ट होने से रोककर जो आपका समय और ध्यान खींचती हैं। एक ना करने वाली सूची आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है जो महत्वपूर्ण है। इसका आपके दिनचर्या पर बहुत नाटकीय और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जितनी कम चीजें आपके दिमाग को परेशान करती हैं, उतना बेहतर है। जिस प्रकार का तनाव और चिंता वे पैदा करते हैं, वो केवल प्रोडक्टिविटी में बाधा डालती हैं या उसे खत्म कर देती हैं। क्या ना करें सूची? क्या ना करें सूची आपके दिमाग को हवा में बहुत सारी चीजें रखने के बोझ से मुक्त कर देगी, क्योंकि ये उनमें से अधिकांश चीजों को खत्म कर देती है। आप उन गेंदों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो अभी भी उड़ान में हैं और प्रत्येक को लगातार आउट कर सकते हैं। 40-70 नियम। हमें से बहुत से लोग सुविधा क्षेत्र के बाहर कार्रवाई करने में अनिच्छुक होते हैं, जब तक कि हमारे पास आवश्यक सभी प्रासंगिक जानकारी ना हो। लेकिन क्या वास्तव में आपके पास कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत अधिक जानकारी हो सकती है? पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल के पास निर्णय लेने और कार्यवाही के बिंदु पर पहुंचने के बारे में एक सामान्य नियम है। उनका कहना है कि जब भी आप किसी कठिन विकल्प का सामना करें, तो उस निर्णय को लेने के लिए आपके पास आवश्यक जानकारी का 40% से कम और 70% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास आवश्यक जानकारी का 40% से कम है, तो आप अनिवार्य रूप से जानबूझकर निशाना साध रहे हैं। आप आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं जानते हैं और संभवतः बहुत सारी गलतियां करेंगे। इसके विपरीत, यदि आप अधिक डेटा का पीछा करते हैं, जब तक कि आपको अपनी आवश्यकता का 70% से अधिक नहीं मिल जाता है, तो आप अभिभूत और अनिश्चित हो सकते हैं। हो सकता है कि अवसर आपके हाथ से निकल गया हो और किसी और ने पहले ही शुरुआत करके आपको हरा दिया हो। लेकिन 40% और 70% के बीच उस मधुर स्थान में आपके पास आगे बढ़ने और अपने अंतर्ज्ञान को अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त है। कॉलिन पॉवेल के संदर्भ में ये वो जगह है जहां प्रभावी नेता बनते हैं, वे जिनके पास ऐसी प्रवृत्ति होती है। सही दिशा में बात यह है कौन आपके संगठन को सफलता की ओर ले जाएगा।
सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने के अपने उद्देश्यों के लिए हम सूचना शब्द के अन्य प्रेरकों से बदल सकते हैं। 40-70% अनुभव, 40-70% पढ़ना या सीखना, 40-70% आत्मविश्वास या 40-70% योजना। 40-70% अनुभव, 40-70% पढ़ना या सीखना, 40-70% आत्मविश्वास या 40-70% योजना। जब हम कार्य पूरा कर रहे हैं तो हम तुरंत विश्लेषण और योजना भी बना रहे होंगे, इसलिए निश्चितता की ये सीमा हमें कार्यवाही की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब आप 70% से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो आपके गति की कमी के परिणाम स्वरूप कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ये आपकी गति को भी नष्ट कर सकता है या आपकी रुचि को रोक सकता है, जिसका प्रभावी अर्थ ये है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। इस सीमा को पार करने से और कुछ हासिल नहीं होने की बहुत अधिक संभावना है। उदाहरण के लिए मान लें कि आप एक कॉकटेल बार खोल रहे हैं जिसमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की शराब खरीदनी शामिल है। जब दरवाजे खुलने के लिए तैयार होंगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी आवश्यकता की सारी शराब तैयार रहेगी, लेकिन दूसरी ओर ग्राहकों को पर्याप्त विकल्प दिए बिना परिचालन शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक आपके पास उपलब्ध इन्वेंट्री का कम से कम 40% ना हो जाए। आपने गति स्थापित कर ली है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आप अपनी आवश्यकता का आधे से अधिक प्राप्त कर सकें तो आप खोलने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। हो सकता है कि आप बारटेंडर की गाइड में बताए गए हर ड्रिंक को पूरी तरह से बनाने में सक्षम ना हो, लेकिन आपके पास कुछ विविधताओं के साथ मुख्य ड्रिंक को कवर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। यदि आपके पास लगभग 50-70% इन्वेंट्री है तो आप संभवतः तैयार हैं। जब शेष इन्वेंट्री आती है तो आप पहले से ही कार्यवाही में होंगे और उस नई इन्वेंट्री को अपनी पेशकश में शामिल कर सकते हैं। यदि आपने तब तक इंतजार किया जब तक आपके पास 70% या अधिक इन्वेंट्री नहीं हो गई, तो आप अपने आप को अपनी इच्छा से अधिक समय तक तटस्थ स्थिति में फंसा हुआ पा सकते हैं। सोचने का ये तरीका ना की तुलना में अधिक कार्यवाही की ओर ले जाता है। जब तक आपके पास कदम उठाने के लिए आवश्यक 40% राशि ना हो, तब तक इंतजार करना आपके आराम क्षेत्र के अंदर एक गतिहीन प्रवास नहीं है। आप सक्रिय रूप से योजना बना रहे हैं कि आपको बाहर निकलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, जो कि ठीक है। इससे पहले कि आप ऐसा करने के लिए 100% या यहाँ तक कि आधे तैयार हो, निष्पादन करना एक तरह का साहसिक कदम है जो आपको जल्दबाजी में आपके आराम क्षेत्र की उदासीनता से बाहर निकाल देता है। कुछ ना करें, बर्नआउट एक बहुत ही वास्तविक जोखिम है, खासकर आज के आधुनिक युग में जहां आगे बढ़ने के लिए ऐसा लगता है कि हर किसी के पास पूर्णकालिक नौकरी के साथ साथ एक अतिरिक्त करियर भी है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना है। हम अपने जीवन से आनंद की आखिरी बूंद निचोड़ने के साधन के रूप में जानबूझकर अपने दिनों को पेशेवर और सामाजिक गतिविधियों से भरा रखना चाहते हैं। विडंबना ये है कि ये जल्दी ही प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ऐसी बैटरी होती है जो इस तरह काम कर सके। जहां तक ये बात है कि आपके मस्तिष्क के लिए इसका क्या मतलब है, तो थोड़ी सी भी थकान आपके विचार की स्पष्टता को प्रभावित करेगी। वो हिस्सा हमारे अपने जीवन से स्पष्ट होना चाहिए। हम 3 घंटे की नींद की तुलना में 8 घंटे की नींद पर बेहतर काम करते हैं। हालांकि जो कम स्पष्ट है वो ये है कि हर चीज से अलग होना और कुछ भी नहीं करना वास्तव में अधिक रचनात्मक
और अंतर्दृष्टि का मार्ग हो सकता है। एक कारण है कि जब हम जिम में या शावर में आराम कर रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास प्रसंगानुपात की अनुपातहीन संख्या है। विचार स्वाभाविक रूप से मन को थका देने वाला होता है और इसकी विशेषता ये है कि मस्तिष्क बीटा तरंगे उत्सर्जित करता है। दूसरी ओर आराम और ध्यान की कमी मस्तिष्क द्वारा अल्फा तरंगों का उत्सर्जन करने की विशेषता है। अल्फा तरंगे इससे संबंधित हैं। अन्य लोगों के अलावा प्रोफेसर फ्लेवियो फ्लोरिच के अध्ययनों से पता चला है कि अल्फा तरंगे बढ़ी हुई स्मृति, रचनात्मक सोच और समग्र रूप से बढ़ी हुई खुशी से जुड़ी है। शायद यही कारण है कि इन दिनों ध्यान और सचेतन अभ्यास पर इतना जोर दिया जा रहा है। वे जानबूझकर आपको धीमा कर देते हैं और आपको अल्फा तरंगे जारी करने की स्थिति में डाल देते हैं, जिसमें खुशी और जीवन संतुष्टि में वृद्धि होती है। दुनिया के अधिकांश शीर्ष कलाकार जैसे कि CEO हमेशा ध्यान को अपनी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। संभवतः यही कारण है। चीजों को व्यवस्थित करने की क्षमता उन्हें महत्वपूर्ण होने पर अपने चरम पर काम करने की अनुमति देती है, जैसे दिन के मध्य में बैटरी रिचार्ज करना। वहां उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए केवल कुछ अल्फा तरंगे उत्पन्न करने के लिए ब्रेक लेना जरूरी नहीं है। इसे विश्राम मत समझो, इसे ठीक होने के रूप में सोचें, ताकि जब आपको वास्तव में रचनात्मक रूप से सोचने की आवश्यकता हो तो आप तैयार हो सके। यदि हमारे पास कोई एथलेटिक प्रतियोगिता है तो हम सहज रूप से सोना, खिंचाव और अपने शरीर को गर्म करना जानते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग के लिए ऐसा करने की उपेक्षा करते हैं। जब आप अधिक आराम करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं तो आप अपने दिमाग को भटकने की अनुमति देने की स्थिति में प्रवेश करते हैं और आप तरोताजा होकर वापस आते हैं। अपने आप को दिवस्वप्न देखने की अनुमति दें, क्योंकि पिछली बार कब आपके दिवस्वप्न उबाऊ और नियमित बनाम रचनात्मक और विचित्र थे। यदि आपको अवकाश की आवश्यकता है तो अपना फोन उठाने और अपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की इच्छा को रोकें। बस खाली जगहों को घूमते रहना आपके समय का बेहतर उपयोग हो सकता है। इस चैप्टर का कंक्लूजन, अपने वातावरण में विकर्षणों को कम करें। यह पता चला है कि दृष्टि से ओझल ध्यान भटकाने के साथ मन से भी ओझल हो जाता है, इसलिए अपने कार्य केंद्र के पास कोई भी उत्तेजक चीज ना रखें, अन्यथा आपकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जहां भी संभव हो डिफॉल्ट क्रियाएं बनाएं। ये वो जगह है जहां आपके लिए सबसे आसान और सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता वो रास्ता है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। ये उत्पादकता के लिए आपके वातावरण को क्यूरेट करने और डिजाइन करने के माध्यम से भी किया जाता है। सिंगल टास्किंग एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि ये निश्चित रूप से मल्टीटास्किंग की खामियों को साबित करती है। जब आप एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करते हैं तो आप ध्यान अवशेष बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपको प्रत्येक नए कार्य के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगता है, भले ही आप उससे पहले से परिचित हों। आप इसे सिंगल टास्किंग द्वारा और बैचिंग द्वारा भी समाप्त कर सकते हैं, जो तब होता है जब आप अपनी मानसिक दक्षता को बनाने के लिए सभी समान प्रकार के कार्यों को एक साथ करते हैं। क्या ना करने की सूची भी उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है जितनी की करने योग्य सूची, क्योंकि हमें शायद ही कभी बताया जाता है कि क्या अनदेखा करना है। परिणाम स्वरूप ये ध्यान भटकाने वाले या चुपचाप समय बर्बाद करने वाले हमारे स्थान पर आक्रमण कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है।
उन कार्यों को शामिल करें जिन पर आप आगे नहीं बढ़ सकते, प्रगति नहीं कर सकते या मदद नहीं कर सकते। 40-70 नियम तब होता है जब आप अपनी इच्छित जानकारी की मात्रा के माध्यम से निष्क्रियता को मात देते हैं। यदि आपके पास 40% से कम है तो कार्यवाही ना करें, लेकिन यदि आपके पास 70% है तो आपको कार्य करना होगा। आपके पास कभी भी 100% नहीं होगा, और संभावना है 70% पर्याप्त से अधिक है, बाकी आप वैसे भी सीखते हैं। अंततः हो सकता है कि आप समय समय पर कुछ ना करना चाहें, ये आराम और विश्राम है, लेकिन आपको इसे मानसिक सुधार के रूप में सोचना चाहिए। एक एथलीट दौड़ या मैच के बीच क्या करता है? आप समझ गए, वे ठीक हो जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएं। चैप्टर 7, घातक खतरे।